हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राइफल लाको, राइफल लेके आए भैया, गोली मार रहे, अरे गोली मारे दे रहे भैया, गोली मारे दे रहे। उन्नाव से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव के पुरवा में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब जमीन विवाद के चलते दो पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के कुछ लोग घायल हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से पूरे हंगामे को शांत कराया। वहीं पुलिस का कहना है कि अब वो दोनों पक्षों की तरफ से लग रहे आरोपों की जांच कर रही है। राइफल लाको, राइफल लेके आए भैया, बता रहे हैं विधायक हमार है, मेरियन का मारे हाथ उठाए नहीं, गाड़ी कौन कौन आए, गोली मार रहे हैं, तू गाड़ी दे आए, अरे गोली मारे दे रहे भैया, गोली मारे दे रहे, गोली मारे दे, भागो भागो, राइफल लेके आए। राइफल लेके आए, गांव को पर हमला करवा रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव की पूर्वा विधानसभा के मंगतखेड़ा में आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पूर्व मंत्री के बेटे पप्पू सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मंगतखेड़ा गांव पहुंचे। मंगतखेड़ा के प्रधान मनोज दुबे का कहना है कि पप्पू सिंह उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। प्रधान कहना है कि वो जमीन उनकी है और उस जमीन पर वो बंगला बना कर रहे थे। प्रधान ने आरोप लगाया कि आज दोपहर 11 बजे करीब पप्पू सिंह 3-4 गाड़ियों से अपने कई साथियों के साथ हथियार लेकर उनके जमीन पर पहुंच गए और वहां पर उनके साथ मारपीट करने लगे। मैं मनोज दुबे, ग्राम प्रधान मंगतखेड़ा। हम अपनी जमीन, धूमधरी जमीन में बंगला बना के रह रहे थे, इसमें हमारा बोरिंग और इंजन भी है। आज 11 बजे के करीब पूर्व मंत्री गंगा प्रकाश सिंह के लड़के पप्पू सिंह, जो भाजपा नेता है, वो आए 3-4 गाड़ियों के साथ। उनके पास राइफलें थी, बंदूक थी और 4-6 कट्टे भी थे। लेके आए, मेरे सीने में लगा दिया राइफल और राइफल दागा भी, लेकिन किसी कारणवश राइफल मिस हो गई तो हम बच गए, भागे। मारा भी मुझको और कहा जान से तुमको मार देंगे, हमारी बहुत बड़ी पकड़ है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, कोई जमीन में कुछ मामला है क्या उनसे? जमीनें हमारी जमीन धूम धरी है, हम लोग बहुत दिन से उसी जमीन में रह रहे हैं, ये लोग जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में हैं। पुलिस से कोई शिकायत या कार्रवाई कुछ? पुलिस को मैंने सूचना भी दिया था, लेकिन पुलिस बहुत देर बाद पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने भी वो गाली देते रहे और अभद्रता करते रहे, तोड़ते भी रहे उसको। प्रधान का कहना है कि वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से गांव पहुंचे और गांव के कुछ लोग उनके साथ जमीन पर वापस आए। बताया जा रहा है कि यहां पर दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई। वहीं इस दौरान प्रधान ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया और हंगामे को खत्म किया। वहीं अब पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता आजाद सुजीत धानुक के साथ अंकित शुक्ला, पुरवा, उन्नाव, यूनिजूपी। गाड़ी कौन कौन है, गोली मार रहे हैं।